বিষয় স্যার মোটা এড়েই যেত দেখন্তু না হ্যাঁ যেতে হবো হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আপন ক্লিয়ার আসছে হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার হ্যালো মিনা হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ কোন দিদি সব জয়েন নমস্কার করলেন আপনি गुड आफ्टरनून एवरी वन सब लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार आप सबका स्वागत है पहले दिन के सेशन के लिए धन्यवाद आप सबका आप अपने अपने घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड लेवल पर हमें भी आपका ये चीज का एहसास है कि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बार अच्छा नहीं है और आप लोगों को और भी काम में एक्टिव रहना पड़ता है। हम आपका फिर भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने समय निकाला ज्वाइन करने के लिए। ये जो अभी हो रहा है उड़ीसा में जो अभी उड़ीसा में हो रहा है फिजिकल एजुकेशन को लेके ऐसा एहसास लग रहा है कि ये कुछ देश भर के लिए नया मॉडल बनने की तरफ जा रहा है और हम सब आप सब लोग उसमें बहुत बड़े भागीदार हैं। राज्य सरकार के प्रयास से स्पोर्ट्स को लेके बहुत चीजें हो रही हैं भुवनेश्वर में और ग्रास रूट लेवल पर भी। और जब फिजिकल लिटरेसी का बात हुआ जहां हम बात कर रहे थे कि फिजिकल एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे उस बारे में राज्य सरकार ने एससीईआरटी ने उड़ीसा के रिसोर्स पर्सन ने हमें बहुत ज्यादा सहयोग दिया और सब लोग साथ जुड़ गए कि फिजिकल एजुकेशन को और मजबूत करते हैं। इस बारे में कभी 15-20 साल से ज्यादा बात नहीं हुआ पर शायद अब बिल्कुल सही समय है। सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में मेडल आए ना आए वो तो छोटी चीज है पर हर घर में बीमारी जरूर चली गई है ये तो गारंटेड है आज की डेट। और फ्यूचर हमको बेटर करना है तो फिजिकल एजुकेशन टीचर इतना महत्वपूर्ण टीचर है कि जो बच्चों को पूरी तरीके से डेवलप कर सकता है उसके विकास में पूर्ण योगदान फिजिकल एजुकेशन टीचर दे सकता है। और इस प्रयास में टाटा ट्रस्ट ने भी हमारा साथ दिया कि हम भी आपके साथ जुड़ते हैं इसको आगे ले जाते हैं मिशन को। और जब उड़ीसा में कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारी जो संस्था एल्म स्पोर्ट्स फाउंडेशन जिसमें हमें सहयोग है श्री पुलेला गोपीचंद जी का और श्री अभिनव बिंद्रा जी का उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि उड़ीसा सरकार ने ऐसा कार्य कर रहे हैं वो कि इस समय पर भी फिजिकल एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें इसमें एक छोटे से ऑनलाइन प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं फिर आगे जाके ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग करेंगे करिकुलम थोड़ा चेंज करेंगे टीचर मैनुअल्स पे काम चलेगा। पर बहुत ही अच्छे भाव सबके मिले हैं उड़ीसा में कि फिजिकल एजुकेशन को आगे लेके जाना है। तो आप सब लोग जुड़े आपका शुक्रिया और सबको जोड़ के चलना है क्योंकि बार बार शायद ऐसा अवसर नहीं आता है कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में इतनी बात हो रही है और राज्य स्तर पर सबका प्रयास यही है कि इस क्षेत्र को और मजबूत किया जाए। तो हम जो 5-6 दिन का सेशन करेंगे वो एक तरीके का एक साधारण तरीका है विषय को जानने का या रिफ्रेश करने का। आप सब लोग गुरुजन हैं आप पहले से ग्राउंड पे बहुत चीजें जानते हैं पर मिलजुल के कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कुछ आप बताएंगे कुछ हम बताएंगे कुछ नया चीज सीखेंगे। पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हम ट्रेनिंग तो करेंगे करेंगे बट हम आपस में दिल भी जोड़ेंगे हमें फिजिकल एजुकेशन को और आगे लेके जाना है। आप लोग हमसे सवाल पूछेंगे हम लोग उसके बारे में पूरा आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे पर अगर हम लोग का दिल मिल गया कि ये बड़ा अच्छा काम है बच्चों के लिए इस बारे में बात होना चाहिए और काम होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है तो हम लोग इस समय को यूटिलाइज करेंगे एक दूसरे को समझने के लिए भी
भाव समझने के लिए, ताकि क्षेत्र को भी बहुत आगे लेके जाना है कि ये तो पहला प्रयास है कि हम आपसे जुड़ गए हैं। तो ऑन दैट नोट आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भी दोबारा बोलेंगे कि ये सेशन इसलिए हो रहा है कि हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंस है, टीचर का रोल बहुत ज्यादा है बच्चों को डेवलप करने में। और आज की परिस्थिति में जब बच्चे वापस आएंगे स्कूल में, तो सबसे पहला चिंता का विषय स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का बात होगा। तो अपने उड़ीसा के लाखों बच्चों को कौन स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का बात करेगा, आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें होने वाला है। तो आपको आपका सम्मान करते हुए, आपको गुरु के ओहदे पे रखते हुए हम एक छोटा सा प्रयास शुरू करेंगे। आज के सेशन में मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी अल्फिया शेख, मेरा नाम अमित मलिक है, पहलम संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हैदराबाद रहता हूँ, गोपीचंद अकेडमी में गोपीचंद सर के साथ सहयोग करता हूँ। मेरी सहयोगी अल्फिया जी जो है वो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मास्टर्स किया स्पोर्ट्स साइंस में, बैचलर किया है फिजियोथेरेपी में, और हमारे साथ वो 2 साल से कार्यरत हैं फिजिकल लिटरेसी फील्ड में, ग्राउंड लेवल पे 2 साल से काम कर रहे हैं। अल्फिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू अमित सर। गुड आफ्टरनून पार्टिसिपेंट्स। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन जो होगा वो फंडामेंटल टर्म्स के ऊपर होगा, यानी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कुछ ऐसे फंडामेंटल टर्म्स है जो हमारे फील्ड के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी लोगों के लिए रीकैप सेशन होगा, काफी लोगों के लिए कुछ पार्ट उसमें से एडिशनल नया होगा या कुछ टर्म्स नए होंगे। तो उसी को ध्यान रखते हुए हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगी कि हम इस मोटो के साथ सेशन नहीं कर रहे हैं कि हम आपको कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, हम इस मोटो के साथ कर रहे हैं कि हम साथ ही साथ मिलके एक दूसरे को बहुत कुछ सीखने का अवसर देंगे। आप अपने एक्सपीरियंस जब आप चैट बॉक्स में शेयर करोगे, बताओगे कि आप क्या नया इनोवेटिव करते आ रहे हो, जो सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोग के लिए भी वो इंटरनॉलेज बेस्ड रहेगा, उन लोग को आपसे कुछ आइडियाज मिलेंगे, आपके आइडियाज उनको हेल्प करेंगे, हम कुछ जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सब एक परिवार के जैसे एक दूसरे में नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग 100% पार्टिसिपेट करें सेशन के दौरान। थोड़े क्विक क्वेश्चन आएंगे, आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव और उसके उत्तर दे चैट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको सेशन के दौरान कोई दिक्कतें आई इन टर्म्स ऑफ मेरी पेस जो है, अगर मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रही हूँ, अगर ऑडियो रिलेटेड इश्यू या वीडियो रिलेटेड इश्यूज या कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताइएगा, मेरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, दे विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, उसी नोट के साथ हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स रिलेटेड टू आवर फील्ड। तो शुरुआत करेंगे हम एक्शन टाइम से, यानी मैं क्विकली आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप उसके उत्तर चैट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि व्हाट इज योर फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी, आपका मनपसंद मनचाहिता फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी कौन सा है। Waiting for your responses. आपके responses का मैं wait कर रही हूँ। Yoga, okay. Running. धर्मेंद्र सर का running है, रामाकांता का योगा है, wow, okay. Football, athletic, mass PT, okay. अभी मुझे काफी अनोखे answers आ रहे हैं, that's nice.
क्रिकेट, मास पीटी अगेन, ओके, फुटबॉल, योगा, रनिंग, वॉलीबॉल, एक नया आंसर आया यहाँ पे, ओके, बहुत ही बेहतरीन। कुछ आंसर्स मिले हमें इनके ऊपर नजर डालने के लिए कि जब मैंने आपका फेवरेट एक्टिविटी पूछा। बढ़ते हैं हमारी दूसरी सवालात की ओर, विच इज बेस्ट मोमेंट ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन क्लास। आपके फिजिकल एजुकेशन क्लास का सबसे बेस्ट मोमेंट आपका कौन सा रहा है? अगर मेरे लिए, जब मैं स्कूल में थी, फिजिकल एजुकेशन क्लास का मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था कि हम सबको एक साथ ग्राउंड में खेलने मिलता था। आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि सारे बच्चे एक साथ ग्राउंड में जब हमें खेलने मिलता था, दैट वॉज द अल्टीमेट बेस्ट मोमेंट फॉर मी। आपका कौन सा है? माइनर गेम्स, ओके, आई हैव गॉट वन आंसर। Yoga again. Playing games with friends. Okay. Minor games, cricket, mass PT classes. Wow. Okay. Basketball. That's nice. Playing kabaddi with friends. Wow. Kisi ko kabaddi bahut acha lagta hai. That's really nice. आगे बढ़ते दूसरी सवाल की ओर, ओके। सो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट, कबड्डी, क्रिकेट अगेन, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, आर्चरी, वाओ, दैट्स अ नाइस आंसर हियर, वॉलीबॉल, कबड्डी, जिमनास्टिक्स, क्रिकेट, खो खो, ओके, वंडरफुल, वी हैव गॉट लाइक अ लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक्स, आर्चरी एक्सेट्रा, दैट्स रियली नाइस, वैरायटीज ऑफ आंसर मिले हमें। नेक्स्ट, योर फेवरेट एक्सरसाइज। मेरा फेवरेट एक्सरसाइज इज स्क्वाट्स, मुझे लोअर बॉडी एक्सरसाइज बहुत पसंद है। आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन सा है? स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार, ओके, डिप्स, वाओ, रनिंग, रोटेशनल एक्सरसाइज, हाफ स्क्वाट, सूर्य नमस्कार अगेन, आई थिंक ये बैच बहुत ज्यादा लिंक्ड एंड क्लोज टू योगा है, बिकॉज आई हैव गॉट पहले से अब तक सारे योगा रिलेटेड आंसर्स, देन सूर्य नमस्कार जो प्रीडोमिनेंटली चल रहा है, विच इज रियली नाइस, रनिंग, स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार अगेन। नेक्स्ट, एक दिन में आप कितना समय बैठ के कार्य करने में बिताते हो? सो ऑन अ डेली डे बेसिस आपका कितना घंटा बैठ के काम करने में गुजरता है? अप्रोक्सीमेटली बताइएगा, 4 घंटा, लगभग 6, जस्ट अराउंड अबाउट फिगर विल वर्क, 4, 4, 2, 4, थ्री, ओके, 2, 3, 4, फाइव, सिक्स, ओके, ओके, राउंड अबाउट 4 to 6 लेते हैं, सिंस ऑल योर आंसर्स आर समवेयर इन दैट लाइन। नेक्स्ट वन, अगर दो कैटेगरी हो फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल का और फिजिकली इनएक्टिव इंडिविजुअल का, आपको बताना है कि आप कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा फिट इन होते हो, फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल के या इनएक्टिव इंडिविजुअल के, एज पर यू, रेट योरसेल्फ। एक्टिव, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, लाइक ऑल ऑफ यू, जितने सारे मुझे आंसर्स अब तक चैट बॉक्स में दिखे सभी एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली नाइस, ओके। मगर अभी मैं आप सबको चाहती हूँ कि आप रिफ्लेक्ट करें, पहले सवाल, दूसरे सवाल, तीसरे और चौथे,
वर्ड्स क्या थे? फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज. ये चार डिफरेंट टर्म्स मैंने इस्तेमाल किए, राइट? मगर अगर मैं आपका आंसर्स चैट बॉक्स में पढ़ने जाऊं, जब मैंने फिजिकल एक्टिविटी पूछा था तब भी रिप्लाई आए थे मुझे वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, योगा एक्सेट्रा. जब मैंने फिजिकल एजुकेशन पूछा तब भी मुझे माइनर गेम्स, योगा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, उसके बाद में इंजॉयमेंट विद चिल्ड्रन और प्लेइंग गेम्स विद चिल्ड्रन, ऐसे आंसर आए. जब मैंने स्पोर्ट्स पूछा, अगेन आई गॉट अ लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, आर्चरी एक्सेट्रा. सिमिलरली जब मैंने एक्सरसाइज भी पूछा, आई गॉट सो मेनी आंसर्स जो स्पोर्ट्स रिलेटेड थे. तो अगर हम देखने जाए, मैंने चार डिफरेंट सवाल के टर्म्स यूज किए थे मगर हमारे आंसर्स काफी हद तक सिमिलर थे. तो उसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज का जो सेशन होगा वो ये जो सिक्स फंडामेंटल टर्म्स है जो कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी बिहेवियर, फिजिकल एजुकेशन और स्कूल स्पोर्ट्स, ये जो सिक्स फंडामेंटल टर्म्स है जो मैंने सवाल में भी यूज किए हैं, हम उसके ऊपर एक नजर डालेंगे और एक एक को जानने और समझने की कोशिश करेंगे. जो हमारा लर्निंग अप्रोच रहेगा सेशन के दौरान वो कुछ इस तरह रहेगा. हम हर टर्म का डेफिनेशन जानेंगे एज पर द रिसर्च और लिटरेचर के अनुसार उसका डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बाय लिंकिंग इट टू आवर डे टू डे एग्जांपल. हमारे डेली लिविंग के साथ जो एग्जांपल्स या उदाहरण है हम उनको लिंक करेंगे और उनके थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारा जो ज्ञान और समझ है उसको एप्लीकेशन लेवल पे लाएंगे बाय डूइंग छोटे छोटे टास्क जो हर टर्म के एंड में होंगे. साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमने ज्ञान और समझ हासिल की है कॉन्सेप्ट के बारे में उसको अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये आज का लर्निंग सेशन का अप्रोच रहेगा. आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट टर्म विच इज फिजिकल एक्टिविटी. डेफिनेशन के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल दैट रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर. डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक करके सिंपल टर्म्स में समझते हैं बाय टेकिंग द की टर्मिनोलॉजीज आउट ऑफ द डेफिनेशन विच इज एनी बॉडीली मूवमेंट, स्केलेटल मसल और एनर्जी एक्सपेंडिचर. ये थ्री फंडामेंटल टर्म्स हैं जो डेफिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सिंपल भाषा में ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि कोई भी मूवमेंट हम हमारे शरीर को इस्तेमाल करके जो करते हैं और ये मूवमेंट ज्यादातर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है. जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा, दिस लॉट ऑफ सिस्टम जो हमारे बॉडी को बनाता है. उसी में एक होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. तो जो भी बॉडी की मूवमेंट हम करते हैं विच इज कंसर्न्ड विद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और उस मूवमेंट को करने के दौरान शक्ति का अगर उपयोग होता है, यानी हम जो खाते हैं वी गेट न्यूट्रिएंट, आफ्टर यूजिंग दैट न्यूट्रिएंट वी गेट एनर्जी टू डू द वर्क, राइट? सो जो भी हम वर्क करने में हमारे बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज फिजिकल एक्टिविटी एज पर डेफिनेशन. उदाहरण ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे डे टू लाइफ के साथ जुड़े कई अन्य प्रकार के हैं, इफ आई गो टू लिस्ट डाउन वन बाय वन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया, इन सबको ग्रुप्स और कैटेगरी में डाल दिया. तो हमने 7 कैटेगरी बनाए हैं जो हमारे काम के साथ जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जब हम सफर करते हैं, साथ ही साथ हमारे घरेलू काम, एक्टिव रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, सेल्फ केयर एंड हाइजीन, ये 7 डोमेन्स है. हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. स्टार्टिंग विद वर्क और ऑक्यूपेशन, यानी जो हमारे काम के साथ जुड़ा हुआ है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक किसान का लेते हैं, जब वो फार्मिंग के लिए पहले खेती खेत जाता है, वहां पे प्लोविंग करता है, फिर हल चलाता है, फिर सीड डालता है, फिर पानी देता है एक्सेट्रा, जो भी वो सारे मैनुअल टास्क करता है, द रिलेटेड टास्क टू हिज ऑक्यूपेशन और वर्क, जिसमें उसका बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व है,
साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जरूरत है उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा शक्ति का उपयोग होते हुए. सो ये सारे चीज जब जुड़े हुए विद रिगार्ड टू हिज वर्क, देन दैट एग्जाम्पल फिट्स इन फॉर फिजिकल एक्टिविटी विद रिगार्ड टू हिज वर्क लाइफ. सिमिलर उदाहरण के तौर पे एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होगा? बच्चों को क्लास से ग्राउंड तक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाना, फिर ग्राउंड में आने के बाद उनका अटेंशन गेन करना, एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करना या एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करना, फिर उन लोग जब कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन करना, एक्टिव मूव अराउंड और हर बच्चे को ऑब्जर्व करना, साथ ही साथ उनके साथ कभी कभी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होके उनके साथ खेलना, और जब एक बार घंटी बजती है जब बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लास को ले जाना. एक एंटायर पीरियड का अगर हम ले, उस दौरान हम ऑलमोस्ट फिजिकली एक्टिव है क्योंकि हमारा पॉइंट वन से स्टार्टिंग से एंड तक हर जगह हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी का हर मूवमेंट हो रहा है, साथ ही साथ शक्ति का उपयोग हो रहा है. दैट इज फिजिकल एक्टिविटी का उदाहरण विद रिगार्ड टू आवर ऑक्यूपेशन विच इज फिजिकल एजुकेशन. ऑलराइट, गोइंग टू द नेक्स्ट डोमेन विच इज ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन, यानी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं. जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं हम इधर बस से सफर कर सकते हैं, कार से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, साइकिलिंग करके जा सकते हैं, और अगर एक छोटा सा पॉन्ड या ये हुआ तैर के जा सकते हैं, या ऊपर नीचे रहते हैं तो सीढ़ी यूज कर सकते हैं. राइट, सो ऑल द थिंग्स विच इज रिगार्ड टू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी पैदल चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग या सीढ़ियां चढ़ना, ओके, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. जो सारे है वो फिजिकल एक्टिविटी के उदाहरण में आते हैं. ऑन द अदर साइड जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे बस में बैठ के पैसेंजर सीट में जाना या बैठ के गाड़ी चलाते हुए जाना, ये सारे उदाहरण है मोर इन टू सेडेंट्री बिहेवियर. ये एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आते. ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव ट्रैवल, जैसे साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी. गोइंग टू द नेक्स्ट डोमेन विच इज घर, घर से जुड़े हुए काम, जैसे झाड़ू पोछा, सफाई, डस्टिंग, मॉपिंग, खाना बनाना, चॉपिंग करना वेजिटेबल, साथ ही साथ कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े फोल्ड करना, इस्त्री करना, एक्सेट्रा. अगेन ये जो सारे घरेलू काम घर घर के साथ जो जुड़े होते हैं इनमें भी शक्ति का उपयोग होता है, और ये भी सारे फिजिकल एक्टिविटी के उदाहरण है. सिमिलरली गोइंग टू द नेक्स्ट डोमेन विच इज एक्टिव रिक्रिएशन, यानी अगर हम हमारे दिन का एक स्केड्यूल ले कि हम सुबह में उठते हैं, ब्रश करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर हमारा जो रूटीन काम होता है, उसके बाद जब हमें कुछ समय अपने लिए अपना मन पसंदीदा लीजर एक्टिविटी करने मिलता है, जैसे स्लो म्यूजिक पे डांस करना, या अपने सारे अपने उम्र के हिसाब के लोगों के साथ मिलके ग्राउंड में जाके 2-3 घंटा खेल के आना, या अपने पालतू जानवर को वॉक पे ले जाना, या अपने बीवी या पति को किचन के काम में हाथ बटाना, या अपने बच्चों के साथ खेलना, एनी काइंड ऑफ लीजर एक्टिविटी जो हम हमारे एक्टिव रिक्रिएशन में करते, दोज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स, यानी कोई काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो हम एक प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, इंस्ट्रक्शंस के साथ खेलते हैं, जिसमें हार जीत या यू नो फ्रेंडली मैचेस एक्सेट्रा होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन और जस्ट फ्रेंडली ओरिएंटेशन मैच, these are all coming under the sports category. हम session में जैसे आगे बढ़ेंगे school sports के बारे में ज्यादा detailly जानेंगे और समझेंगे. Alright, next domain is exercise. Now, exercise भी physical activity का एक हिस्सा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो exercise वो है जब हम कुछ समय अपने दिन में खास कर निकाल के dedicatedly अपने health के ऊपर spare करते हैं ताकि हम हमारे health goal achieve करें. In the sense, anything which we do in a planned, systematic, repetitive way with the proper goal hum kya achieve karna chahte hain, so that will be more into exercise. Again, hum session mein aage jitna baat karte jayenge, to exercise ke baare mein bhi detailly samajhne ki koshish karenge. Going to the last domain, which is self-care and hygiene, yaane, jab hum humare khud ka dekhbhal karte hain, jaise subah mein uth ke brush karna, snan karna, washroom use karna, फिर कपड़े पहनना, बटनिंग एक्सेट्रा, ये सारे जो छोटे छोटे ड्रेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह वगैरह होते हैं, ये भी सारे उदाहरण है फिजिकल एक्टिविटी के, क्योंकि इनको करने के दौरान भी शक्ति का उपयोग होता है. अभी हमने इतने सारे वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज देखे, राइट,
इन सेवन डिफरेंट कैटेगरीज या डोमेन. अगर हम देखने जाए हर एक्टिविटी में एक समान का शक्ति का उपयोग नहीं होता, किसी में बहुत ज्यादा अधिक होता है और किसी में बहुत कम और किसी में मॉडरेटली. तो उसी को समझते हुए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने एक लैब सेटअप में ये सारे हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज जुड़े हुए उनको कैरी आउट किया, ठीक है. और फिर उन्होंने लैब सेटअप में जब ये कैरी आउट किया एक स्केल बनाया विच इज नोन एज मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, यानी METS, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क. इसमें उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी जब उन्होंने लैब में करवाया उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि किसमें कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है. ऑलराइट, उन्होंने इक्वेशन बेसिस करवाया, फिर सिंपल भाषा में हमारे जैसे लेमैन को समझ में आने के लिए उन्होंने ये स्केल बनाया और उसमें तीन कैटेगरी डाले, एज लाइट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी और विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी. मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि बेस्ड ऑन जो बुक आप रेफर कर रहे हो ये स्केल स्लाइटली वेरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपकी ईजी समझ के लिए बस तीन कैटेगरी बताए. कुछ बुक्स छह कैटेगरी बोलती हैं, जैसे वेरी लाइट, लाइट, मॉडरेटली लाइट, मॉडरेटली विगरस, विगरस, वेरी विगरस. इसको और भी सब कैटेगरी में बांट सकते हैं, बट हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम तीन कैटेगरी लेके चलते हैं. लाइट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी वो है जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर 1.5 मिनट से अधिक लेके 3 मिनट तक हो रहा है, और 3 से 6 मिनट के बीच में जो भी एक्टिविटी का शक्ति का उपयोग हो रहा है वो होगा मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, 6 से 8 विग्रेस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, और 8 से 10 वेरी विग्रेस होता है. अगेन लाइट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी वो है जिसमें हमारी हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट या जब पसीना के बारे में बात करें वो आता नहीं है. इट्स मोर और लेस कि यू आर डूइंग इट योर ओन नॉर्मल पेसिंग, देयर इज नो इंक्रीज इन सो मच. व्हेयरएज मॉडरेट वाले में स्लाइटली मॉडरेटली इंक्रीज होता है हमारा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, द रेट ऑफ परसेप्शन प्लस पसीना आना एक्सेट्रा. सिमिलरली विगरस में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. ऑलराइट, अगेन इसके उदाहरण के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. भले ही एक फिजिकल एक्टिविटी में लेके चलो जो मुझे लाइट लगे वो किसी और के लिए मॉडरेट लग सकता है या किसी के लिए विग्रस लग सकता है. दैट वेरीज फ्रॉम मेनी फैक्टर्स. ऑलराइट, एंड इट इज नॉट सेम और सेम लाइकली परसीव बाय एवरी इंडिविजुअल. जैसे हम एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, वैसे ही हमारा रेट ऑफ परसीव perception for those physical activity also varies. Any doubts, any questions related to this? Any questions, any doubts? Are we good to go? क्या हम सब एक साथ हैं? हमारी समझ अब तक एक समान है? कोई पीछे छूट गया in terms of doubts जो follow नहीं कर पाया? Please chat box में बताइए. It's clear, ma'am. Thank you so much. Okay, now talking about physical activity guidelines for children. ठीक है, तो जैसे मैं बता रही थी पहले physical activity को तीन category में बांटे गए as light, moderate, vigorous. फिर researchers ने क्या किया, world के पूरे population को लिया और उनको तीन डिवीजन में बांटा, बच्चे, बड़े और बुजुर्ग, यानी चिल्ड्रन, एडल्ट, सीनियर सिटीजंस और एल्डरली. ओके, यानी तीन ग्रुप. फिर इस तीन ग्रुप को फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस दिए मीटिंग द ग्रुप नीड्स. पर्टिकुलर बच्चों के हिसाब से कितना होना चाहिए, बड़ों के हिसाब से कितना होना चाहिए, बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन के हिसाब से कितना होना चाहिए. सिंस हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है आज इस सेशन में, तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ डील करते हैं. तो द स्कोप ऑफ इंटरेस्ट जो इस सेशन का होगा वो बच्चों तक ही हम सीमित रखते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा ज्ञान बच्चों को रिलेटेड इंक्रीज करने का हमारा जो मोटो है उसको ध्यान रखते हुए. तो एज पर फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रेन, गाइडलाइंस ये कहता है कि एवरी चाइल्ड शुड एम फॉर एटलीस्ट
60 minutes of moderate intensity physical activity every day. इसको अगेन ब्रेक छोटा छोटा सिंपलर भाषा में ब्रेक करके समझते हैं. पहली बात डेफिनेशन आई मीन गाइडलाइंस के अनुसार ये है कि इट्स एवरी चाइल्ड. इट्स नॉट अबाउट यू 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 गिने चुने बच्चे या अच्छा इतने सारे बच्चे ये सैंपल या क्लस्टर ऑफ बच्चे जो कल को स्पोर्ट्स लेंगे उन्हीं के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरत है. जी नहीं, गाइडलाइंस के अनुसार हर बच्चा. सो इट इज इंक्लूसिव एंड मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड. That's one point. For at least 60 minutes, at least लगभग 60 minutes या तकरीबन 60 minutes. Again the word at least यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि minimum बता रहा है कि 60 minutes होना चाहिए, maximum नहीं बता रहा है. तो अगर by chance कोई बच्चा 2 घंटा या 3 घंटा physical active रहता है तो it is not हानिकारक फॉर हिज हेल्थ. इट इज बेनिफिशियल क्योंकि गाइडलाइंस के अनुसार बस मिनिमम रेंज गिवन है कि 60 मिनट्स एटलीस्ट होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा बच्चा एक्टिव है तो डेफिनेटली इट इज मोर बेनिफिशियल टू हिज और हर हेल्थ. और स्टडीज और रिसर्च ये बताते हैं कि जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहता है उसकी इम्यूनिटी, उसका ग्रोथ, उसका अटेंशन स्पैन, उसका परफॉर्मेंस सब बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. Of moderate intensity. Again, going to the guidelines. Moderate intensity. हमने 3 intensities देखे थे, right? Light, moderate, vigorous. तो moderate intensity physical activity के उदाहरण है playing any kind of game, running activities जैसे running में games बनाना, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ी या ice and water ऐसे वगैरह games again of moderate intensity. Then again bicycling और sports. Now again हम जब sports के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के लाइन में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सोचिए एक कम्युनिटी में एक थर्ड स्टैंडर्ड की लड़की रह रही है, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का लड़का रह रहा है और एक 10th स्टैंडर्ड का लड़का रह रहा है. वो सब साथ में क्रिकेट खेलना चाहते हैं. अगेन द स्पोर्ट्स कैन बी मॉडिफाइड ताकि इंक्लूसिव बनाए, सब एक अट्ठा खेल सके. साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के स्पोर्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं कि सोचिए इतना ही गली है उनके पास, यहाँ पे मिश्रा जी का घर है, शर्मा जी का घर है, यहाँ पे मेन रोड है. तो अगेन द स्पोर्ट्स कैन बी स्लाइटली मॉडिफाइड टू मेक इट मोर इंक्लूसिव. गोइंग अबाउट टू एक्टिव ट्रैवल, अगर स्कूल और घर पास है तो पेरेंट्स हमेशा इंकरेज कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों के साथ आ भी सकते हैं सेफ्टी एंड सुपरविजन को कंसिडर करते हुए फॉर देम टू कम्यूट टू एंड फ्रो फ्रॉम स्कूल टू होम. That way, उनका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाता है. साथ ही साथ जब स्कूल बस छोड़ के जाए तो द टाइम दे वॉक एंड गो होम कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ टाइनी पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. उसके अलावा डांस, अगेन डांस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू एंगेज ऑल द चिल्ड्रन क्योंकि हम अगर ज्यादातर देखने जाए स्पेशली गर्ल्स दे लाइक डांस, एस्थेटिक एक्सप्रेशन, फ्री बॉडी मूवमेंट और दे लाइक एंड दे फील मोर कंफर्टेबल डूइंग इट. So we can always use that as on a plus point to engage more and more children to do kind of physical activity. Talking about the workout, जब हम workout के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, it's good that हम जो workout plan करें वो external resistance ना हो. It's good to have using their own body weight. क्योंकि अगर हम बच्चों को देखने जाए, बच्चों का विकास हो रहा है, they have not attained the maximum growth. So age specific using your own body weight, loading your bones, etc. can be very beneficial. और studies भी बताते हैं कि good bone loading helps in better growth of the bones and avoiding a lot of disease in the later part of their life, which is concerned with the bone related. साथ ही साथ walking can be done, skipping rope is again good. Space भी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, बस घर के अंदर भी बच्चों को कूदा सकते हैं, बस फैन का ध्यान रखना पड़ेगा. Then going about the stair climbing, यानि जो भी हमारे environment में available infrastructures या terrains है हम उसको इस्तेमाल करके भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा physically active रख सकते हैं, जैसे uphill running, downhill running, stairs. उसके अलावा अगर हमारे पास छोटे बहुत bridges हो etc. जो भी हमारे खेतों में या गलियों में हो तो we can still encourage children to use all the available terrains and surfaces in and around our house or the area to make students more and more physically active. So that was about moderate intensity physical activity, activities ke examples jo humne dekhe. Abhi last word in the guidelines is every day.
Now again I want to stress here on every day because as per the guidelines बच्चे को बस एक दिन या दो दिन या तीन दिन या एक हफ्ते के लिए active नहीं बल्कि every day that is whatever he or she learns has to be in the face of continuity every day for physical activity. So far clear with the guidelines? लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो ठीक है आगे बढ़ते हैं. एज फिजिकल एजुकेशन टीचर हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी खेल के दौरान बना सकते हैं. नाउ दिस प्ले टाइप ऑफ प्ले जो भी होता है खेल वो तीन टाइप के होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्ले सेमी स्ट्रक्चर्ड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले. हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट अनस्ट्रक्चर्ड प्ले ज्यादातर ओपन एंडेड होता है. अगर हम बच्चे का साइकोलॉजी और नेचर समझने की कोशिश करें किड्स वी लाइक इफ यू सी देम बच्चे बाय नेचर बहुत क्यूरियस होते हैं बहुत चुलबुल होते हैं वो एक जगह नहीं बैठते उनको हमेशा भागते रहना है खेलते रहना है. अगर मत हाथ लगाओ बोले तो जानबूझ के हाथ लगाना रहता है. दे जस्ट लव मूविंग अराउंड प्लेइंग एक्सप्लोरिंग दे आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर राइट. एंड दैट कॉम्पोनेंट हम हमारे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बाय गिविंग देम ओपन एंडेड. यानी अनस्ट्रक्चर्ड प्ले इज ऑल अबाउट गिविंग चांसेस फॉर किड्स टू प्ले विदाउट रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स इंस्ट्रक्शंस या रिजिड बाउंड्री की ऐसे ही खेलना चाहिए ये गलत है ये सही है ऐसे करो. डोंट डू दैट. अनस्ट्रक्चर्ड प्ले इज मोर अबाउट ओपन एंडेड वेयर किड्स आर गिवन फ्रीडम टू कम अप विद देयर ओन गेम जस्ट मूव according to the beats and free body flow movements. यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे by nature बहुत curious और exploratory होते हैं तो वो खुद से उस nature को explore करते हुए सीखते हैं. इस दौरान जब unstructured play हम कराते हैं उस दौरान कुछ specific learning objective नहीं होता है. Usually अगर हम देखें तो this is specific learning objective कि at the end of this session Children will be able to do dash and dash and dash. मगर जब हम unstructured play के बारे में बात कर रहे हैं, there is no specific learning objective. अगर बच्चा खुश है, enjoy किया, movement किया, भागा, खेला, थोड़ा बहुत in activities involved हुआ, the purpose is achieved. Okay? As an adult हम देखने जाए, हमारा role बहुत कम है in terms of giving them instructions कि ये मत करो, ये सही है, वो सही है, वैसे करना चाहिए. नहीं नहीं तुम गलत हो वैसे नहीं होता ये ऐसे करना चाहिए. आर रोल इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस इज वेरी लेस बट आर रोल ऑफ सेफ्टी एंड सुपरविजन के बारे में अगर बात करें बहुत ज्यादा जरूरत होता है. तो देयर वी प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल. All right, so that is about unstructured play. Udharan of unstructured play is dance. Dance can be a very good example for unstructured play. Usually, agar hum unstructured play ke baare mein dekhne jaye to, this fits in good for young or the playful child wala age group. Kyunki is dauran jab chote bachche hote around first standard or second standard ka age. बच्चे इस लेवल पे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होते. अगर आप उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देंगे फर्स्ट थिंग उनको ज्ञान और समझ नहीं रहेगी अगर आपने कोई फैंसी वर्ड उसमें इस्तेमाल किया टू गिव देम इंस्ट्रक्शन. सेकेंड थिंग वो सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं कर पाते और रिटेन नहीं कर पाते. थर्ड थिंग अनस्ट्रक्चर्ड प्ले में ज्यादातर विद द यंगर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हमारा ये पर्पस है कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाएं एंड वेराइटीज क्रिएट करे और वेराइटीज में एक्सपोज करे कि ये भी खेल सकते हो ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो वो भी. नॉट चैनलाइज देयर एनर्जी टू वन डायरेक्शन कि आपको फुटबॉल ही खेलना ये तरीका. यू हैव टू गिव देम वेराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट देम एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. वंस उनको उनकी इंटरेस्ट समझ आ गई है देन यू कैन वर्क ऑन चैनलाइजिंग देम इन टू वन पाथ. दैट्स अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड प्ले. Going to semi-structured play. Semi-structured play is semi-guided play which is 50% from unstructured and 50% from structured. Yani, बच्चों को कुछ हद तक फ्रीडम होती है वो खुद से अपना गेम प्लान करें और साथ ही साथ
50% आपका भी योगदान है इन टर्म्स ऑफ गिविंग द यू नो इनोवेटिव आइडियाज. अगेन आप यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट स्टार्टिंग द चेन ऑफ आइडियाज की अरे वाह बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हो, बहुत मजेदार तो सुनने में लग रहा है. अगर आप इस गेम की जगह ऐसे जगह कुछ ऐसे करके ट्राई करो फिर देख लो कि कितना मजा आता है. नाउ आई हैव जस्ट गिवन देम अ सजेशन बाय क्रिएटिंग अ चेन ऑफ आइडियाज, बट चिल्ड्रन स्टिल हैव द फ्रीडम टू बिल्ड अप ऑन देम एंड क्रिएट देयर ओन गेम्स. तो आई हैव अ 50% रोल फ्रॉम माय एंड एंड 50% स्टिल स्कोप ऑफ फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्ले अबाउट एक्सपोज टू द एनवायरमेंट क्रिएटेड टू प्ले. यानी हम एक प्री डिजाइन एनवायरमेंट करते हैं एंड देन वी एक्सपोज एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग. दे लर्न विद द बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस. जब वो खेलते हैं खेलते हैं एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट गुरु, सो दे कैच अप लर्निंग विद द एक्सपीरियंस. एडल्ट्स के बारे में बात करें तो हमारा रोल इन एक्टिव लर्निंग बहुत ज्यादा है. ऑलराइट इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम इनोवेटिव आइडियाज सजेशंस एक्सेट्रा. साथ ही साथ और सेफ्टी और सुपरविजन के बारे में बात करें तो भी हमारा मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिलीव मी बच्चे जितने भी बड़े हुए फाइट्स फॉल्स क्वारल झगड़ा एक्सेट्रा हमेशा होता है, तो इंजुरी के रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि हम सेफ्टी एंड सुपरविजन का अटमोस्ट ध्यान रखें. टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्ड प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले ज्यादातर जैसे फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल एक्सेट्रा अगर हम देखने जाए तो ये सारे स्पोर्ट्स जिसके प्रॉपर रेगुलेशंस रूल्स नॉर्म्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किस तरह खेलना चाहिए, कितने टीम में कितने लोग होने चाहिए, कैसे ग्राउंड में खेलना चाहिए एक्सेट्रा, ये सारा जब हम प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो दैट इज मोर अबाउट द स्ट्रक्चर्ड प्ले. यानी गाइडेड प्ले, प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स विद स्पेसिफिक गोल्स और रूल्स, गोल्स ऑफ विनिंग लूजिंग और फ्रेंडली मैचेस और रिक्रिएशनल मैचेस एक्सेट्रा. यहाँ पे भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं. When they regularly play, they better in one skill and that skill enhances over time with performance. Again, as an adult, हमारा active role है in terms of teaching and learning. That is giving them feedback, correcting them, being an active referee, counting the fouls, etc., educating them. ये सारे हमारे role. Again, safety or supervision moderately important है. So, so far we have seen the type of play which is unstructured, semi-structured and structured. Unstructured ka udharan dance, for example, semi-structured ka like a gully cricket. Structured is any particular sports like football, cricket, volleyball, basketball, etc. jo proper rules and regulation norms ke saath khela ja sakta hai. Going to the part of check for understanding, yani main ek ek karke aapko sawalat poochungi yahan pe. Aapko batana hai ki wo kiska udharan mein aata hai. Does it come as unstructured? यानि आप उत्तर में US लिख सकते हो या UN लिख सकते हो. अगर आप semi-structured बोलते हो तो SS. अगर आपको structured लगता है तो S. तो उसी के साथ हम start करते हैं. Playing with your sibling, अपने भाई बहन के साथ खेलना. Unstructured, okay. काफी लोगों ने अनस्ट्रक्चर्ड बताया, कुछ लोगों ने सेमी स्ट्रक्चर्ड बताया. यूजुअली भाई बहन के साथ खेलना इज मोर इनटू अनस्ट्रक्चर्ड. नेक्स्ट प्लेइंग अ गेम विद रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पी टीचर. यानी बच्चे खुद का रूल्स बना के खेलने लगते जब फिजिकल एजुकेशन टीचर एब्सेंट रहता है. तो दिस इज सेमी स्ट्रक्चर्ड. सेमी स्ट्रक्चर्ड ब्रिलियंट ब्रिलियंट बहुत ही बेहतरीन. सभी ने एक साथ सेमी स्ट्रक्चर्ड बताया. दैट्स रियली नाइस वंडरफुल वंडरफुल. Playing in community, forming your own rules. सोचिए कि कुछ बच्चे locality में रहते हैं, वो अपने rules बना के वहीं पे खेलने लगते हैं. So this is, I've got one answer saying structured, structured and majority में semi-structured. Again, जिन सब लोगों ने semi-structured बताया, clap for yourself. That's right. Playing with your dog or pet, अपने पालतू जानवर जैसे खरगोश कुत्ता बिल्ली etc. जो भी है उसके साथ खेलना इज मोर इनटू अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड.
वाव, गुड नंबर ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इन द आंसर. बहुमत से काफी लोगों ने अनस्ट्रक्चर्ड बताया. जी हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड इज मोर इन टू द राइट आंसर. गोइंग फॉर वॉक, वॉक के लिए जाना. अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, अच्छा एक अनस्ट्रक्चर्ड आ रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड आ रहा है आंसर. ओके ओके फाइन, आई विल टेल फिफ्थ और सिक्स्थ के आंसर साथ में. सिक्स्थ वाले का जवाब दीजिए. गोइंग फॉर अ ब्रिस्क वॉक डेली फॉर 30 मिनट्स. स्ट्रक्चर्ड, 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 ब्रिलियंट. जी हाँ, सिक्स्थ वाला स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन है कि मैं वो एक्टिविटी कितने समय के लिए कर रही हूँ, यानी 30 मिनट रोजाना कर रही हूँ, हफ्ते में 3 बार कर रही हूँ, या दैट इज डेली, क्या टाइप का एक्टिविटी कर रही हूँ. ब्रिस्क वॉकिंग, राइट. सो द स्पेसिफिकेशन इज देयर. अगेन, गोइंग फॉर वॉक इज मोर अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड क्योंकि इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है. सोचिए कि आपके घर कोई मेहमान आता है, आप बस बाजू की दुकान में जाते हो पैदल मिठाई या कोला लाने के लिए, ठीक है, तो आप पैदल जा रहे हो. वॉकिंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बट इट इज एन अनप्लान्ड इवेंट, सो दैट विल बी मोर इनटू अनस्ट्रक्चर्ड पार्ट. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. इज डांस अ फिजिकल एक्टिविटी? यस, ओके. डांस किस इंटेंसिटी का फिजिकल एक्टिविटी है, लाइट, मॉडरेट या विगरस? लाइट, ओके, मॉडरेट, लाइट. संतोषी मैम ने बताया मॉडरेट, कैलाश सर ने बताया फिर. ओके, I've got a mixed answers. काफी लोगों को लगता है लाइट, काफी लोगों को लगता है मॉडरेट, और थोड़े लोगों ने विग्रेस भी बताया. बट मैं आप सबसे बताना चाहूंगी, द आंसर राइट हियर इज द इंटेंसिटी ऑफ डांस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हाउ आई परसीव. जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सोचिए कि कैलाश सर जो है यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए, वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन डांसर है, ठीक है, तो वो हमेशा करते हैं. तो एक इवेंट में मैं और कैलाश सर नाचने के लिए खड़े होते हैं, मैं पहली बार जिंदगी में नाच रही हूँ, तो मेरे लिए डांस विल बी समवेयर लाइक अ विग्रेस इंटेंसिटी. लाइक थोड़ा बहुत नाच के मैं थक गई, सो मेरे लिए वो विग्रेस होगा. बट कैलाश सर तो हमेशा नाचते हैं, ही इज अ वेरी गुड डांसर, देन उनके लिए वो लाइट लग सकता है. तो द इंटेंसिटी ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन देयर प्रायर एक्सपीरियंस, कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है उसको करने में. वन. सेकेंड चीज, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बेनुदर सर जो है हमारे साथ आज, ओके, वो बेसिकली अगर हम देखें डेली जिम जाते, डेली वर्कआउट करते, ही इज ऑलवेज फिट. वो डांस के लिए आते हैं तो उनका फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उनको वो डांस लाइट इंटेंसिटी लगेगा. सोचिए मैं इतनी ज्यादा फिट नहीं हूं, तो वो मुझे मॉडरेट लग सकता है या विग्रेस लग सकता है. तो बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स प्रायर फिटनेस लेवल, दैट्स द सेकेंड वेरिएबल फैक्टर. थर्ड, मैं किसी के शादी में 1 मिनट के लिए नाच रही हूँ, या फिर कोई स्लो म्यूजिक में 1 मिनट के लिए नाच रही हूँ, या किसी के शादी में लगातार 30 मिनट के लिए नाचे जा रही हूँ. तो जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो वो इंटेंसिटी भी मेरा परसीव जो रहेगा वो भी इंक्रीज होगा. सो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, दैट्स द थर्ड वेरिएबल फैक्टर. द फोर्थ वन इज, अगर स्लो इंग्लिश बीट चल रहा है तो मैं स्लोली म्यूजिक में ऐसे डांस करती हूँ, या सोचिए कोई ओडिया का प्रॉपर धमाकेदार बीट्स वाला सॉन्ग चल रहा है तो आप पूरे एनर्जी के साथ करोगे. तो द टाइप ऑफ म्यूजिक एंड द डांस व्हाट यू आर डूइंग ऑन दैट इट विल वेरी अगेन. नेक्स्ट फैक्टर हियर इज, सोचिए आप अकेले नाच रहे हो या ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ मिलके नाच रहे हो. तो आप जब ग्रुप में नाचते हो तो आप देखोगे कि अरे मैं तो थक गया मगर मेरे दोस्त नाच रहे, चलो और थोड़ा नाच लेता हूँ मैं, क्या ही जाता है. एंड यू ट्राई टू पुश योर लिमिट, दिस एक्सटर्नल मोटिवेशन विच कम्स इन टू पिक्चर एंड यू पुश योर लिमिट टू डांस अ लिटिल मोर, राइट. सो दिस एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन कमिंग, इसी बेसिस पे अगर आप देखो बच्चे स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते क्योंकि
जब वो दूसरों को करता हुआ देखते हैं तो उनको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. सो द फाइव फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर: वन, प्रायर फिटनेस लेवल; टू, प्रायर एक्सपीरियंस; थ्री, दैट इज योर ड्यूरेशन; फोर्थ, द टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाट यू आर डूइंग; फिफ्थ वन, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन. दीज आर द फाइव वेरिएबल फैक्टर्स based on which an individual to individual the perceived level of physical intensity physical activity intensity varies. So far clear with this? Going to the next task. Okay, यहाँ पे आप चार लोग देख सकते हो, गिरीश, पूजा, राहुल और माया, और उनके आगे उनका normal time course कि वो सुबह में उठ के किन किन activity में involve होते हो. मैं आप लोगों को सबको पूरा एक मिनट देती हूँ, आप ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव कौन है आपके अनुसार और क्यों आपको लगता है. तो क्वेश्चन के दो भाग है, कौन सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव है और क्यों. अगर आप नाम बोल रहे हो, जैसे आपने बताया पूजा, तो प्लीज उसके बाजू में ही रीजन लिखिएगा. ऑलराइट, टेक अ मिनट, लुक एट दिस and give me the answer. Time starts now. दीपक सर, संतोष सर, आपने गिरीश गिरीश तो बताया, बट प्लीज रीजन दीजिए कि आपको क्यों लगा कि गिरीश है. शीता ने बताया राहुल बिकॉज ही प्लेज फुटबॉल, और किसी ने बस गिरीश बताया बट रीजन नहीं बताया है. गिरीश बिकॉज ही इज डूइंग ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टोटल डे, टोटली डे टाइम एक्टिव. ओके गिरीश. फिनिश बिकॉज ही कैन डन एवरी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. गिरीश, सो ही इज ओल्ड एज बट ही इज फिजिकली फिट. ओके, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन. आपने पिक्चर में, धर्मेंद्र सर ने पिक्चर में ओल्ड एज एज फैक्टर ऑब्जर्व किया, दैट्स नाइस. राहुल बिकॉज ही टेक्स लेस रेस्ट. गिरीश, पूजा, राहुल. ओके, गिरीश मेंटेन्स एक्टिव लाइफ, दैट्स अ वेरी नाइस वर्ड टू यूज, एक्टिव लाइफ, नाइस. अगेन पूजा बताया गया है. ओके, परफेक्ट. हम अभी सबके आंसर्स टैली करते हैं. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव एग्रीड कि गिरीश है. जी हाँ, हम सही, हम सबकी आंसर्स को देखने गएंगे तो जिन्होंने गिरीश बताया बिल्कुल सही उत्तर दिया है. मगर समझते हैं कि गिरीश क्यों सबसे ज्यादा या क्यों सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव है. ठीक है, नीचे से ऊपर तक जाते हैं. पहले तो मैं माया के बारे में बताऊंगी. अगर माया को देखेंगे तो उसका टाइमलाइन अगर देखेंगे, बैठे रहती है सुबह में, फिर गाड़ी में बैठ के जाती है, फिर ऑफिस में भी बैठे रहती है, तो पूरा समय शी इज सिटिंग, शी इज नोवेयर फिजिकली एक्टिव. तो माया तो लिस्ट से हट गई. फिर अभी पूजा और राहुल को कंपेयर करके समझते हैं. पूजा सुबह में जिम जाती है और उसने वेट लिफ्टिंग किया, ठीक है, तो वो मॉडरेट टू विग्रेस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. सिमिलरली राहुल शाम में फुटबॉल खेल रहा है, ग्रीन जोन, तो दो ग्रीन जोन हुए, उसको कट कट करो. उसके अलावा येलो जोन्स कितने रहे पूजा के? 1, 2, 3, 4, 5, 5, राइट. यानी चलना, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, फोन में भी जब आए तो बातें करते रहना, तो जब भी उसका ब्रेक समय रहे उस टाइम में भी वो 5 गुना फिजिकली एक्टिव है और राहुल बस 2. सो इफ आई कट इट्स 3. पूजा इज 3 टाइम्स मोर एक्टिव देन राहुल. अभी गिरीश, पूजा और राहुल को कंपेयर करते हैं. पूजा सुबह में वर्कआउट करती है, राहुल शाम में फुटबॉल खेलता है, गिरीश शाम में साइकिलिंग जाता है, तो तीनों का मॉडरेट इंटेंसिटी था
काटो काटो काटो, उसके अलावा गिरीश का 1 2 3 4 5 6 7 सात येलो स्ट्रिप्स है, यानी जब भी वो ब्रेक्स होता है उस दौरान ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहता है। तो सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव गिरीश है, क्योंकि वो एक्सरसाइज यानी साइकिलिंग के साथ जो भी मॉडरेट इंटेंसिटी के अलावा छोटे छोटे ब्रेक्स लेता है, एंड उसका पैटर्न देखने जाओ तो लेस सेडेंट्री है। और एक फैक्टर इन सब में से जो सर ने ऑब्जर्व किया था कि गिरीश का एज के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा फिट है। सो दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सर। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड टर्म विच इज एक्सरसाइज। एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू द फर्स्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स? एनी डाउट्स? आर वी गुड टू गो? यस नो मे बी, कुछ तो बताओ। No doubts yet, ma'am. Okay, perfect. आगे बढ़ते हैं। Exercise, तो exercise as definition is a subset of physical activity and defined as planned, progressive, structured and repetitive bodily movement done to improve or maintain one or more components of physical fitness. So it's a subset. पहले इसको थोड़ा simplified version में लेके समझते हैं, word by word. So I'm taking the first sentence here. एक्सरसाइज इज अ सबसेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी याद है मैंने जब कैटेगरीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बताया था, जो आपके वर्क, ट्रैवल, सेल्फ केयर, हाइजीन, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, डेली एक्टिविटीज, एक्टिव रिक्रिएशन, उसमें मैंने एक्सरसाइज भी मेंशन किया था, राइट? सो इसका मतलब ये है कि सबसेट वर्ड का मतलब अगर सारे डे टू डे लाइफ में हम कहीं अन्य तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते, उसी में आता है एक्सरसाइज भी। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी प्लान्ड हो, रेपिटेटिव हो, स्ट्रक्चर्ड हो और एक पर्टिकुलर अप्रोच और फैशन के साथ हम कर रहे हैं, ओके, तो फिर वो एक्सरसाइज के अंदर आ जाता है। सो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का एक हिस्सा या पार्ट है। सो अगेन अंडरस्टैंडिंग द एक्सरसाइज का डेफिनेशन विद की एट्रीब्यूट्स, प्लान्ड, सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर, इन्वॉल्व्स लार्ज मसल ग्रुप, डन टू इम्प्रूव और मेंटेन वन और मोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी एक्सरसाइज के पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग जाती है कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 हफ्ते बाद हमारे स्कूल में एक फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है और 10 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि 3 हफ्ते हैं, विच इज लाइक 3 7s are 21 days. आउट ऑफ 21 days, 18 days आर वर्किंग, बिकॉज 6 days वीक में होता है और 3 डे छुट्टी आएगा, संडे. तो 18 days में आपको प्लान करना है अभी ये 10 बच्चों को, तो आप 18 days में क्या करोगे? 9 days मैं फुटबॉल स्पेसिफिक रखूंगा और 9 days मैं उनके हेल्थ गोल्स पे ओरिएंटेशन करूंगा। तो आप उस पर प्लान करोगे कि ठीक है ऑल्टरनेट डेज रखता हूँ हफ्ते में, 3 3 3 करके, तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जो रहेगा मैं उनका वर्कआउट डे, उसमें मैं उनका वर्कआउट में कराऊंगा पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना, एजिलिटी, स्पीड पे काम करूंगा, साथ ही साथ उनका लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग। एंड दूसरे सारे डेज पे उसमें मैं फुटबॉल का ट्रेनिंग कराऊंगा इन टर्म्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑफ ड्रिबलिंग, अटैकिंग, डिफेंडिंग, पोजिशन बेस्ड, गोलिंग, स्कोरिंग, एक्सेट्रा। सो नाउ आई डिड एन एंटायर प्लानिंग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज व्हाट आई हैव, कि मैं क्या कराना चाहती हूँ। सो देयर इज अ प्रॉपर प्लानिंग वेंट टू इट। नाउ सिस्टमैटिक अप्रोच यानी हाउ आई वॉन्ट टू गो अबाउट विद इट, यानी डू आई वॉन्ट टू डू देम इन अ हाई इंटेंसिटी लेवल, लो इंटेंसिटी लेवल, उनका हाइड्रेशन लेवल के बारे में ध्यान रखूंगी, उनका न्यूट्रिशन, साथ ही साथ वेदर के बारे में ध्यान रखूंगी, गर्मी है तो मुझे वाटर ब्रेक देना है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच होगा इन टर्म्स ऑफ मी डिलीवरिंग, की वार्म अप कराऊंगी, वर्कआउट कराऊंगी, फिर कूल डाउन कराऊंगी, स्ट्रेचिंग कराऊंगी, एक्सेट्रा। सो दिस इज सिस्टमैटिक अप्रोच ऑन व्हाट हैज टू बी डन एंड हाउ इट हैज टू बी डन। देन कमिंग टू स्ट्रक्चरल बिहेवियर, जब मैं ये सब कुछ एक टू एक प्रॉपर पैटर्न में कराऊंगी तो बच्चों में एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर आएगा, और साथ ही साथ जब मैं प्लानिंग करूंगी तो मैं मसल ग्रुप के बारे में भी ध्यान रखूंगी कि मुझे मेरा लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग कराना है, कोर वर्कआउट कराना है, या अपर बॉडी कराना है, ओवरऑल कराना है। सो आई विल ऑल्सो कीप द मसल ग्रुप इन्वॉल्विंग इन माई माइंड। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सरसाइज का प्लानिंग कराऊंगी दैट इज ऑन द
goal what I want to achieve, either I want to improve the endurance, or if I want to improve the core strength, or if I want to improve the power, agility, speed, flexibility, aerobic capacity, and all. So there's a specific goal what I want to achieve, and based on that I do the planning for achieving that. So there's a particular goal. Now that goal varies from, again, person to person based on their needs. Okay. So again, this works and follows the fifth principle, which is frequency, intensity, time and type. I hope you hum sabko pata hai. Frequency yani hafte mein kitna bar kara rahe ho, ek bar versus 7 din ya 4 din. Intensity yani again moderate intensity, vigorous intensity, or light intensity. Time yani duration, kitne samay ke liye, 10 minute ke liye ya 20 minute ke liye ya 1 ghante ke liye. Type yani kis tarike ka activity kara rahe ho. Theek hai? So I hope fifth principle is very clear to everyone. Moving about to examples of exercise. जैसे ही मैं term exercise कहती हूँ, हम सबके दिमाग में क्या आता है? बड़ा fancy gym, dumbbells, dumbbell rack, उसके बाद में bars to lift, hang, pull up bars, push up bars, etc. उसके अलावा racks आते हैं, squat rack आता है, उसके अलावा treadmills आता है. So every kind of gadgets, cable pulls आते हैं मेरे दिमाग में. So I get, whenever I think of gym as a fancy setup, ऐसे सारे pictures आते हैं कि मैं cycling कर रही हूँ, treadmill पे भाग रही हूँ, या फिर weight lifting कर रही हूँ, etc. जी हाँ, this still fits in well when we are talking about an adult population. But as a physical education teachers, we are dealing with children. तो चिल्ड्रन के लिए फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज काफी लिंक्ड होते हैं. वी कैन मेक चिल्ड्रन डू एक्सरसाइज बाय चेंजिंग द फिजिकल एक्टिविटी इटसेल्फ इनटू अ प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड एंड अ सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ, मेकिंग इट मोर इनटू एक्सरसाइज. सम ऑफ द एग्जांपल्स कुड बी हुला हूप, क्लाइंबिंग एंड हैंगिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट. नाउ लेते हैं फोर वे टग ऑफ वॉर. नाउ फोर वे टग ऑफ वॉर इज सिंपली अ गेम, अ फिजिकल एक्टिविटी. बट इसको मैं एक्सरसाइज में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? बाय मेकिंग श्योर कि द नीड्स आर मेट. उनका अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, कोर स्ट्रेंथ भी हो रहा है, दे आर डेवलपिंग द पुल एंड पुश स्ट्रेंथ. साथ ही साथ द वे हाउ आई गिव देम इंस्ट्रक्शंस हाउ टू गो अबाउट, सिंपल भाषा में मैंने फिजिकल एक्टिविटी को एक्सरसाइज पे कन्वर्ट किया बाय डूइंग अ प्रॉपर प्लानिंग टू इट, ब्रिंगिंग अबाउट अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू इट. And that brings a structural behavior into the consideration for children. Skipping rope, push-up now. Push-up is a form of exercise using your own body weight. Again, ये बच्चों को कराने से क्या होगा? Bone loading होगा. भले ही छोटे बच्चे जब कर रहे हो, they might not be able to do this in this proper form. But still, if they have still weight bearing on their hands, that is also sufficient. That also makes the purpose served. Similarly, cycling करा सकते हो, climbing bars करा सकते हो. So these are some of the activities जो physical activity है but exercise के तौर पे भी हम इनको mold in कर सकते हैं, alright? क्योंकि जब हम बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा exercise के बारे में बात करते हैं, the motto here is कि बच्चों को enjoyment हमेशा लगे, encouragement and enthusiasm to do more. अगर हम बच्चों को fancy gadgets देंगे, it is not fun, they do not enjoy it. And when they don't enjoy it, there's no continuity ki wo aage uska palan karenge. So they tend to drop out. We don't want that. So bachchon ke saath jab hum deal karte, it should be more about the fun factor ki unko enjoyment hamesha mil raha hai ya nahi with that kind of exercise. So the next question is dance an exercise? Can we call dance as an exercise? Yes, no? Yes, okay, perfect. जी हाँ, सही बताया. क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए जुम्बा डांस, एरोबिक डांसेस प्रिपेयर हुए. दैट्स द एग्जैक्ट लिंक जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डांस बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी था, मगर उन्होंने एक्सरसाइज कैसे बनाया? बाय एडिंग प्रॉपर थीम टू इट, एडिंग प्रॉपर फॉर्मेट टू इट, बीट्स टू इट, स्टेप्स टू इट, पर्पस की ये मूवमेंट करने से क्या गोल अचीव होता है. So simply a physical activity got converted into an exercise. So far we have seen two terms, which is physical activity and exercise. Just let's do a comparative way
टू अंडरस्टैंड देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को करने के दौरान बॉडीली मूवमेंट और शक्ति का उपयोग होता है. दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स हैं. फिजिकल एक्टिविटी का हेल्थ बेनिफिट जो है वो काफी हद तक जनरल है, वेयर एज एक्सरसाइज का जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो काफी स्पेसिफिक है बेस्ड ऑन द गोल व्हाट वी वांट टू अचीव. अगेन इन दोनों में अंतर ये है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा अनप्लान्ड होता है. नाउ अगेन आई हैव यूज द वर्ड ज्यादा से ज्यादा. कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी प्लान्ड भी हो सकता है. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स एवरी वीकेंड सैटरडे संडे दे स्पेंड टाइम इन गार्डनिंग. तो नाउ दैट विल बी अ प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी. गार्डनिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी बट एवरी सैटरडे संडे नाउ देर इज अ प्लानिंग ऑल्सो एडेड टू इट. सो दैट विल बी प्लान. बट ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी अनप्लान्ड होते हैं. जैसे वॉकिंग, पास में बाजार में जाके कोई सब्जी लाना, या शॉपिंग के लिए आप जाते हैं मॉल में मगर ज्यादा से ज्यादा घूमते रहते हो. सो नाउ अगेन यू आर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ रोमिंग बट यू आर इनटू अनप्लान्ड इवेंट. साथ ही साथ किसी का फोन आता है, फोन में बात करते हो, आगे पीछे मूव करते हो. सिमिलरली एक्सरसाइज ऑन द अदर साइड इज प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी प्रॉपर फिट्स प्रिंसिपल को फॉलो और ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्लानिंग होती है. Going to the next term, which is physical inactivity. Any doubts pertaining to exercise? Again, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए पूछती हूँ कि आप लोगों को doubt है या नहीं, क्योंकि believe me, ELMS का purpose of the session is not just to share the ज्ञान. हम यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए नहीं आ रहे. हम चाहते हैं कि हम सब एक अट्ठा आगे बढ़े, किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते. That's why I want to keep on asking कि अगर लगे आपको समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए. The next term in line is physical inactivity. So physical inactivity as per the definition is an individual who does not meet the recommended physical activity criteria is considered to be physically inactive. Simple भाषा में जो फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस दिए गए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुजुर्ग के लिए, अगर बच्चे अपने गाइडलाइंस को पूरी तरीके से मीट करने में असफल होते हैं तो द किड इज फिजिकली इनएक्टिव. सिमिलरली बड़े अगर अपना दिया हुआ एक दिन में जो समय दिया गया हुआ है एज पर गाइडलाइंस की इतना समय तक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, उसको करने में नाकामयाब रहते हैं तो वो फिजिकली इनएक्टिव. सिमिलरली बुजुर्ग का भी ये है. So again, what I meant was, adults के लिए guidelines बोलता है कि at least moderate intensity physical activity 30 minute के लिए रोजाना करना चाहिए. Both male हो या female हो, दोनों को ही रोजाना at least moderate intensity of 30 minutes physical activity रोजाना करना चाहिए. अगर adults ये goal reach करने में असफल होते, यानी 25 मिनट्स पूरे दिन में उनका फिजिकल एक्टिविटी काउंट होता, तो दे आर फिजिकली इनएक्टिव. सिमिलरली बच्चों का गाइडलाइंस बोलता है कि हर बच्चे को मॉडरेट एटलीस्ट 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए रोजाना. अगर बच्चे ये रीच करने में असफल होते हैं तो दे आर फिजिकली इनएक्टिव. ओके तो काफी बार मैंने पूछा था आपको स्टार्टिंग में कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आपने बोला एक्टिव. काफी बार हमें लगता है कि हम एक्टिव हैं, क्योंकि अगर आपको अभी लगेगा मैंने क्या बोला था, बॉडीली मूवमेंट. मैंने बॉटल उठाया तो मेरा शोल्डर, एल्बो और रिस्ट बॉडीली मूवमेंट हुआ. ढक्कन खोला, बॉडीली मूवमेंट हुआ, राइट. आप बोलोगे ओके अगेन मेरा रिस्ट मसल्स, फोरआर्म मसल्स और शोल्डर मसल्स इन्वॉल्व हुआ, मस्कुलोस्केलेटल भी इन्वॉल्व हुआ. तो ओपनिंग, आई एम इन अ सिटिंग पोजिशन एंड आई एम ओपनिंग अ बॉटल, तो आप बोलोगे हाँ मैं फिजिकली एक्टिव हूँ. जी नहीं, हम इस वक्त सेडेंट्री है क्योंकि एनर्जी कंजप्शन मेरा उतना नहीं हुआ होगा एज बियॉन्ड 1.35 मिनट्स और समथिंग. सो काफी मरतबा हमें लगता है कि हम फिजिकली एक्टिव है बट सिचुएशन कुछ अलग होती है. दैट इज हाउ वी परसीव इट. वी माइट नॉट बी फिजिकली एक्टिव टू द मैक्सिमम लेवल. तो उसी के साथ आई थिंक वी हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम.
right? I think we have been sitting for an hour. Let us all take quick 1 minute water break. अपने अपने position से उठिए, stretch कीजिए, correct the posture and come to the sitting position again. Okay? Done. हम 1 minute के बाद मिलेंगे. Everybody getting up from their position, stretching, drinking water and coming back to the session. 1 minute. चलेगा? Perfect. चलो. Participants, I am back. Ready, ma'am. Okay, perfect. Deepak sir already आ चुके हैं, उन्होंने ready बताया. क्या सभी अपने स्थान पे वापस आ गए? हम continue करें. Ready, perfect. आगे बढ़ते हैं to the next term, sedentary behavior. So sedentary behavior, as per definition, is defined as any waking behavior characterized by an energy expenditure of less than or equal to 1.5 minutes while in sitting, reclining or lying posture. Again, too scientific. Break karte simple bhasha mein samajhte hain. First keyword yahan pe waking behavior hai. Definition mein waking behavior isliye istemal kiya gaya hai kyunki jab hum soye rehte hain, when we are asleep, that time also energy expenditure hota hai. Kyunki हमारे वाइटल्स चलते हैं, हमारी दिल की धड़कन चलती है, सर्कुलेशन चलता है, ब्रेन के फंक्शंस चलते हैं और कभी कभी जब हम खाना खा के सोते तो डाइजेशन भी होता है. सो जब हम सोए रहते तभी भी शक्ति का उपयोग होता है, मगर हम उस शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं बात कर रहे. वेकिंग बिहेवियर ये एम्फसाइज करता है कि इंसान जगे हुए स्टेट में कॉन्शियस है. उस दौरान जब वह कोई भी कार्य करता है जिसमें वो बैठा रहा है या लेट के कर रहा है या कोई भी पोजीशन में, साइड लाइन में लेटा हो या उल्टा पेट के बल लेटा हो या पीठ के बल लेटा हो, इन सब के दौरान जब शक्ति का उपयोग लेस देन यानी 1.5 मिनट से भी कम होता है तो वो उस दौरान सेडेंट्री है. ओके, सो दिस इज द स्केल जो मैं वापस से आपको दिखा रही हूँ. ये स्लाइड मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, राइट. लाइट मॉडरेट विग्रेस जो है, उसके अलावा आप देखिए एक लड़की जो चेयर पे बैठी हुई है, वो स्केल कहाँ से दिखा रहा है? 0 to 1.5 मिनट. तो जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिस दौरान आप बैठे हो, उस दौरान आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो उस कैटेगरी में आएगा, तो आप उस दौरान सेडेंट्री हो. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडेंट्री बिहेवियर जो हमारे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं वो कुछ इस तरह है, जैसे बैठ के जब हम गाड़ी चलाते हैं या फिर अपने मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, गेम्स खेलना, सेशन सुनना, ज्ञान बांटना एक्सेट्रा, बट स्टिल जब हम बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करते वी आर सेडेंट्री. उसके अलावा
लेट के या बैठ के टीवी देखना, कार्टून देखना, न्यूज देखना, सीरियल देखना, कोई भी प्रोग्राम देखिए, मगर जब हम बैठे होते या लेटे होते वी आर डेफिनेटली सेडेंटरी। उसके अलावा बैठ के डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम करना, किताबें करेक्ट करना, क्वेश्चंस करेक्ट करना, या फिर बैठ के ऑनलाइन सेशन अटेंड करना, वेबिनार अटेंड करना, इस दौरान भी हम सेडेंटरी हैं। उसके अलावा जब हम खाना खाते हैं, ओके, हम बैठ के खाना खाते हैं, तो उस दौरान भी सेडेंटरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल से आपको बोलूँ कि चलते फिरते खाना खाइए। जी हाँ, बैठ के खाना खाइए, दैट्स गुड, प्रॉपरली चिप द फूड एंड ईट ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो। मगर काफी लोग क्या करते, खाने के बाद वहीं पे बैठ के बहुत सारे चिट चैट्स में इन्वॉल्व करते हैं। वी कैन डेफिनेटली अवॉइड दैट। एक बार खाना हो जाए तो गेट अप फ्रॉम द पोजिशन एंड स्टार्ट टू मूव अराउंड। अगेन, मूव अराउंड का मतलब ये नहीं कि आप ब्रिस्क वॉकिंग के लिए बाहर चक्कर काटने चले जाओ, यानी विद द प्रॉपर पेसिंग। क्योंकि सडनली अगर हम वॉकिंग, फास्ट फास्ट वॉकिंग करें तो हमारा पेट में क्या होता है, कैच होता है, क्रैम्प्स होता है। क्योंकि तुरंत हम जब खाना खाते हैं तो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेशन स्टमक के ओर पे जाता है ताकि डाइजेशन को हेल्प करे। जब हम तुरंत ही वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो क्या होता है, वो ब्लड डाइवर्ट होता है थोड़े डाइजेशन के लिए, थोड़ा वॉकिंग मसल के लिए, तो उस दौरान हमें क्रैम्प्स या कैचेस आते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि ब्रिस्क वॉकिंग करो, आई एम सेइंग जस्ट डोंट सिट आफ्टर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, गेट अप एंड मूव। साथ ही साथ उसके अलावा थिएटर में बैठ के लंबे समय तक पिक्चर देखना, या घर में ऐसे ही बैठे रहना, या फिर अगेन लैपटॉप, मोबाइल्स, या फिर आपका टैब एक्सेट्रा, ये सब जब हम इस्तेमाल करते हैं हम डेफिनेटली सेडेंट्री रहते हैं। साथ ही साथ जब बच्चे बैठ के सुनते हैं या ऑनलाइन सेशन सुनते हैं या बैठ के पेंटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा करते हैं, उस दौरान भी वो लोग सेडेंट्री होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडेंट्री बिहेवियर विच इज रिलेटेड टू आर लाइफ। यस यस, आई नो, आई थिंक संतोष कुमार सर ने बताया, आई थिंक वी आर इन सेडेंट्री नाउ डेफिनेटली। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक मिनट वाटर ब्रेक दिया ताकि मैं मोनोटोनस पैटर्न ब्रेक करूं। ओके, सो हमने फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज देखा, फिर हमने सेडेंट्री बिहेवियर और फिजिकल इनएक्टिविटी देखा, राइट? तो फिजिकल इनएक्टिविटी इन शॉर्ट का मतलब, इन शॉर्ट समझाऊं तो, नॉट डूइंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की गाइडलाइंस दिए गए हैं, अगर एक इंडिविजुअल उस गाइडलाइंस को पालन करते हुए उसके नंबर्स मीट करने में उससे कहीं ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहने में असफल होता है तो फिजिकली इनएक्टिव कैटेगरी में आता है। ऑन द अदर साइड सेडेंट्री बिहेवियर, यानी कोई कार्य जब हम करते जिसमें हम लंबे समय तक ब्रेक, बैठ के, लेट के या मोनोटोनस पैटर्न को फॉलो करके करते, उस दौरान हम सेडेंट्री रहते हैं। काफी मर्तबा एक इंडिविजुअल फिजिकली एक्टिव होने के साथ सेडेंट्री भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना उदाहरण लेती हूँ, मैं सुबह में उठती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ पूरे 40 मिनट के लिए, ओके, बट एक्सरसाइज के बाद अगर मेरा पूरा दिन का पोर्शन देखना चाहे तो मैं आगे ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर के आगे बैठे रहती हूँ सेशन लेने के लिए। सो आई हैव बीन फिजिकली एक्टिव, एट द सेम टाइम आई हैव अ सेडेंटरी बिहेवियर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो उस दौरान हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, टेक स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स, ब्रेक द मोनोटोनस पैटर्न ऑफ द लिविंग। उठिए, स्ट्रेच कीजिए अपने बॉडी को, करेक्ट कीजिए पोस्चर, करेक्ट योर अलाइनमेंट ताकि अगेन यू गेट मोर रिफ्रेश्ड एंड मोर अटेंटिव ऑल्सो, दैट वे यू आर मोर इन टू टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स एंड एडिंग ऑन फिजिकल एक्टिविटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, आर वी सेडेंट्री नाउ, यस और नो? संतोष सर ने ऑलरेडी बता दिया है इसका जवाब कि हम सेडेंट्री है। जी हाँ, आई एग्री। तो द नेक्स्ट पार्ट टू द क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है कि बच्चे सेडेंट्री है जब वो मैथ क्लास चल रहा है या साइंस क्लास चल रहा है, हिस्ट्री, सिविक्स या ईवीएस या ओडिया लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट चल रहा है, तो क्या आपको लगता है उस दौरान जब बच्चे बैठ के लेक्चर सुनते हैं, टीचर का प्रवचन या भाषण सुनते हैं, तो डू यू थिंक उस वक्त बच्चे सेडेंट्री है क्लास में? यस यस, ओके, काफी लोगों, थोड़े लोगों ने नो बताया। मैं फिजिकल एजुकेशन क्लास के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश, साइंस, सोशल, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। उस दौरान क्या आपको लगता है कि बच्चे सेडेंट्री है? यस यस यस, ओके, मेजॉरिटी ऑफ देम यस।
जी हाँ, अगर हम देखते जाए तो एकेडमिक सब्जेक्ट ज्यादा जो होता है उसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठे रहते हैं, बट द एडेड एडवांटेजेस वी आर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, हमें ब्लेस्ड पॉइंट ये है कि हमें बच्चों को अपना मनचाहा एक्टिविटी कराने का योगदान मिला है. किड्स लव बीइंग फिजिकली एक्टिव एंड मूविंग अराउंड, एंड वी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आर ब्लेस्ड विद द एबिलिटी टू गिव चिल्ड्रन व्हाट दे लव डूइंग द मोस्ट. एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हमें ये योगदान मिला है कि हम बच्चों को वो कराए जो बच्चों को सबसे ज्यादा करना अच्छा लगता है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. उसी के साथ बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन एज पर डेफिनेशन इज प्लान प्रोग्रेसिव लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन अ स्कूल करिकुलम व्हिच इज टाइम टेबल एंड डिलीवर्ड टू ऑल स्टूडेंट. डेफिनेशन के अनुसार प्लानिंग होती है फिजिकल एजुकेशन में. प्रोग्रेसिव लर्निंग, जैसे बच्चे का एज के अनुसार ग्रोथ और डेवलपमेंट का विकास होता है, तो उसी प्रकार से द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, लेवल ऑफ लर्निंग जो होती है वो इंक्रीज प्रोग्रेसिवली होती जाती है. ये एक स्कूल करिकुलम में होता है. अगेन उसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है कि इतने से इतने समय तक ये क्लास में फिजिकल एजुकेशन होगा. एंड अगेन द लास्ट पार्ट विच इज डिलीवर्ड टू ऑल स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन के अनुसार ही इट्स वेरी क्लियर कि कुछ गिने चिन्हे बच्चों का अधिकार नहीं, हर बच्चे का अधिकार है जो वो स्कूल अटेंड कर रहा है. सो इट इज द राइट एंड मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव टू गेट अ फिजिकल एजुकेशन पीरियड में खेलना. ओके, इट इन्वॉल्व्स बोथ लर्निंग टू मूव एंड मूविंग टू लर्न. यानी बच्चे फिजिकल एजुकेशन पीरियड में खेल के सीखते हैं या पहले रूल्स रेगुलेशन सीख के खेलते हैं. सो दिस टू एंड टू वे लर्निंग, इधर दे लर्न द गेम एंड देन दे गो एंड प्ले, और खेलते खेलते यानी व्हेन दे प्ले दे इवेंचुअली लर्न इट. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन टू यू ऑल इज, आर ऑल चिल्ड्रन फिजिकली एक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन क्लास? क्या आप दावे के साथ बोल सकते हो कि आपके सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन क्लास में एक ही समान फिजिकली एक्टिव है? यस और नो? नो नो, नॉट ऑल. ओके, प्रिटी रियलिस्टिक सिचुएशन. जी हाँ, आप सभी ने सही बताया, नो नो. जी हाँ, सिचुएशन कुछ इस तरह है. ये उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो लाल शर्ट के बच्चे हैं वो लोग का नेचर ये है कि वो कुछ ज्यादा ही फिजिकली एक्टिव है. अगर हम आप बोलोगे इनफ, स्टॉप स्टॉप, वो फिर भी थोड़ा बहुत खेलना चाहेंगे. दे वांट टू पुश दैट. एंड ऑन द अदर साइड अगर आप येलो शर्ट्स के बच्चे देखो, दे आर मोर ओबीडियंट, दे वांट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दे साइलेंटली वेट फॉर देयर टर्न कि हमारा समय आएगा हम खेलेंगे. सो इफ यू सी दिस वे, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, कुछ बच्चे हैं फिजिकली एक्टिव बट उतना ज्यादा नहीं. तो हर बच्चे का एक ही लेवल पे फिजिकली एक्टिविटी नहीं रहा है. सो व्हाट आई वांट टू टेल थ्रू दिस पिक्चर, द मैसेज हियर इज, फिजिकल एक्टिविटी टाइम ऑफ एवरी स्टूडेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ फिजिकल एजुकेशन पीरियड. यानी लेके चलते हैं कि अगर फिजिकल एजुकेशन पीरियड मैक्स टू मैक्स मैं लेके चल रही हूँ एग्जैजुरेट करके कि 60 मिनट्स का हो, फॉर एन एग्जाम्पल 60 मिनट्स का यानी एक घंटे का हो, तो आप बोलोगे अरे मैम गाइडेंस के अनुसार तो गाइडलाइंस के अनुसार तो बोल रहे थे आप कि 60 मिनट्स एटलीस्ट हो रहा है, तो पीरियड ही 60 मिनट का है, तो मेरे बच्चे तो सारे 60 मिनट्स के लिए फिजिकली एक्टिव हुए है या नहीं? पहली रियलिटी ये है, भले ही पीरियड 60 मिनट्स का हो, हमें कभी ग्राउंड में बच्चों को 60 मिनट्स नहीं दे पाते. बाय द टाइम बच्चे क्लास से ग्राउंड आते हैं हमने 8 मिनट खो लिया, 2 मिनट उसमें उनका या मे बी 5 मिनट उनका अटेंशन गेन करने में, फिर वार्म अप के लिए कुछ अराउंड 10 मिनट्स खो लिया. सो वी हैव लॉस्ट अराउंड लाइक 20 to 22 मिनट्स. तो रिमेनिंग हार्डली वी हैव लाइक अगेन 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर अस टू डू, और 35 मिनट्स लेफ्ट अस फॉर अस टू टेक द सेशन. और उस 35 में भी हर बच्चा एक समान तक फिजिकली एक्टिव नहीं रहा. सो पीरियड का लेंथ के हिसाब से हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं तोल सकते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी टाइम हर बच्चे का उसके खुद के एक्टिव टाइम पे ही डिपेंड होता है. अगर हम ये पिक्चर देखें, एक बच्चा 15 मिनट के लिए हो, दूसरा बच्चा शायद 10 मिनट के लिए हो, तीसरी बच्ची शायद 30 मिनट के लिए हो,
So physical activity time for every student is the active time of every individual student in the physical education class. तो एक और sad reality ये भी है कि physical education class, भले ही हम मानते हैं कि बच्चे चुलबुल nature के होते हैं, उनको खेलना, मस्ती करना, भागना etc. पसंद है. physical education class में लोगों को लगता है कि हर बच्चे physically active रहते हैं. believe me, ये एक side का सोच है. कभी कभी हमें physical education class में भी sedentary behavior देखने को मिलता है. और अभी जो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दीज आर नॉट जस्ट क्रिएटेड पॉइंट. एज अ एक्टिव मेंबर ऑफ ELMS, हमें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स के साथ बात करने को मिलता है, इंटरव्यू करने को मिलता है. सो दीज आर देयर ओन प्रॉब्लम्स जो उन्होंने हमें बताया. सॉरी, जैसे स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, फिजिकल एजुकेशन पीरियड की घंटी बजती है, बच्चों को ग्राउंड आना पड़ता है. मगर थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्लोली अपना लीजर टाइम लेके आते हैं, या कभी कभी आते ही नहीं, क्लास में बैठ जाते हैं. नेक्स्ट, एज अ गुड फिजिकल एजुकेशन टीचर आप क्या बोलते हो? बच्चा लोग जल्दी जल्दी जाओ, 3 मिनट वाटर ब्रेक लेके वापस आ जाओ. बच्चे क्या करते हैं? अरे यार आज बहुत गर्मी है, सर ने बहुत खेला लिया. अरे यही कोने में बैठ जाता हूँ, सर को थोड़ी पता चलेगा. दे हाइड समवेयर बिहाइंड द स्टेयर्स एंड सिट. सो अगेन दे आर इनटू सेडेंटरी बिहेवियर. उसके अलावा मैम, सॉरी मैम, too much stomach pain ma'am, female problem ma'am, can I sit in the corner? Again, girls ka zyada tar they use this reason. I mean, genuinely bhi ho ya nahi genuinely bhi ho, they use this reason very often to skip their physical education period. Saath hi saath, aap jaise behtareen physical education teachers hone ke baad with so much experience, itna behtareen ground, facility, equipments aur पीरियड, आप लोगों का स्कूल फिजिकल एजुकेशन पीरियड देने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्राउंड में भले ही आए, ग्राउंड में आके वो बैठ के खेलते हैं. जैसे पर्ची बनाते हैं कि चोर पुलिस खेल लें, या फिर कैरम या लूडो खेल लेते हैं. तो इररेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग ऑल आउटडोर फैसिलिटीज लाइक इक्विपमेंट, अमेजिंग टीचर्स, फैसिलिटी, पीरियड, ग्राउंड एंड ऑल द things needed for them to play, they still want to sit there and play. Uske alawa, this attending special class during physical education class is again one thing which is not in your hand, kyunki koi teacher aayega, maybe math teacher, sir this 4 student very bad in their maths test, fail ho gaye ye log, inko special class lena hai, aap inko chhod dijiye, ye in log ko main class mein special class lunga, and they take them and they take special class in the class. अगेन वो क्लास में बैठे रहे, दे बिकम सेडेंटरी. आई नो इस सिचुएशन में चीजें हमारी हाथ में नहीं है, बट एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर जाहिर सी बात है हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि जितने दूसरे सब्जेक्ट बच्चे के विकास के लिए जरूरत है, उन सब में से फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा अव्वल पोजिशन पे आता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इज वन पीरियड जिसमें ब्रेन एंड बॉडी दोनों का विकास होता है. इट्स अ कनेक्शन लिंक. एंड स्टडीज ये भी सपोर्ट करते हैं कि जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है. सो देयर इज ऑलवेज रिसर्च एडिंग टू दैट. सो यू कैन ऑलवेज स्प्रेड अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट इज फिजिकल एजुकेशन विद योर फेलो कलीग्स. सो दीज वर सम ऑफ द सिचुएशंस जिसमें हमें सेडेंटरी बिहेवियर देखने को मिलता है in physical education class. I hope you agree to almost all the points. Do you have koi naya points isme add karne ke liye from your end? Okay, agar hai to batana. Filhal ke liye main aage badh rahi hu. I'm always having an eye on the chat box. Agar aapke koi points aate hain, so I'll really be happy to share it with all. Next term in line is school sports. School sports yaane basically स्कूल के खत्म होने के बाद स्कूल में ही एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सिखाते हैं ऑफ हाउ टू प्ले स्पोर्ट्स. सोचिए कि एक बच्चा है, वो फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो आपके पास आता है कि सर स्कूल खत्म होने के बाद आप मुझे प्लीज फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस और खेलना सिखाना. तो या फिर आप किसी बच्चे को भागता हुआ देखते हैं और बोलते अरे वाह इसका तो रनिंग बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा पॉलिशिंग और ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छा एथलीट बन सकता है. So based on a student's interest or recognized talent, some students want to learn specific sports.
जो स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल में ही रुकते हैं और उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दिया जाता है टू लर्न द स्पोर्ट. और ये जो होता है कभी कभी स्कूल का खुद फिजिकल एजुकेशन टीचर लेता है या स्कूल बाहर से कोच अरेंज करता है. सो दैट इज अबाउट स्कूल स्पोर्ट्स. यानी स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल में ही जब स्पोर्ट्स की कोचिंग या ट्रेनिंग होती है टू द इंटरेस्टेड चिल्ड्रन और द स्टूडेंट्स हु हैव बीन टैलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फिजिकल एजुकेशन टीचर, देन दैट इज स्कूल स्पोर्ट्स. ऑलराइट, वो करिकुलम का हिस्सा नहीं होता है, उसे इट्स ऑल्सो रेफर्ड एज आउट ऑफ स्कूल आवर्स लर्निंग. यानी स्कूल खत्म होने के बाद के समय के बाद जो स्पोर्ट्स बच्चे सीखते हैं आउट ऑफ स्कूल आवर्स लर्निंग. उदाहरण के तौर पे अगर हम ले चले कि ये पूरा क्लास का स्ट्रेंथ है, फुल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, ये सेलेक्टेड बच्चे जो रेड में बता रही हूँ यहाँ पे, जो एग्जाम्पल सेलेक्ट हुए हैं स्कूल को फुटबॉल टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. और स्कूल टाइम टेबल के अनुसार 3 से 4 फिजिकल एजुकेशन पीरियड है, तो 3 से 4 फिजिकल एजुकेशन टीचर को पूरे क्लास के स्ट्रेंथ के बारे में सोच के फिजिकल एजुकेशन क्लास डिलीवर करना चाहिए. और 5:30 के बाद जब स्कूल समाप्त होता है जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो स्कूल के बाद रह जाते हैं और उनको फुटबॉल कोचिंग दी जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देम टू लर्न फॉर द स्कूल टूर्नामेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट स्कूल स्पोर्ट्स. विद दैट वी फिनिश ऑल द 6 फंडामेंटल टर्म्स. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दैट? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? आई होप सब क्लियर है. अगर बाय चांस आपको नहीं समझ में आया तो आई कैन टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन. परफेक्ट, आगे बढ़ते टू एक्शन टाइम. एक एक करके सवालात में पूछूंगी. आई वॉन्ट यू टू आंसर इट. राइट एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विदाउट इक्विपमेंट्स विच कैन बी डन एट स्कूल. रनिंग, ओके. योगा, जंपिंग, कबड्डी, योगा, कबड्डी. परफेक्ट, वाव. रनिंग, ओके, ब्यूटीफुल. देर आर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ आंसर्स बिना इक्विपमेंट के. आप उनको पकड़म पकड़ा ये सब भी खिला सकते हो, सम गुड माइनर गेम्स भी खिला सकते हो जिसको जिसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं हो होनी चाहिए. उसके अलावा लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज? सीढ़ियां चढ़ने जो एक्टिविटी है वो फिजिकल एक्टिविटी है या एक्सरसाइज? अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कहते हो तो गिव मी द रीजन, स्पेसिफाई, जस्टिफाई व्हाई डिड यू चूज फिजिकल एक्टिविटी. अगर आप एक्सरसाइज बोलते हो तो प्लीज गिव मी द रीजन व्हाई डिड यू से एक्सरसाइज. एक्सरसाइज, कबड्डी. Physical activity because it is against the gravitational force. Wow, too scientific. That's nice. Exercise. Physical activity because of specific rules. Physical activity because of specific rules. Physical activity. Okay. The right answer here is climbing stairs based on what purpose I'm doing can vary as physical activity या exercise. सोचिए कि मेरा घर चौथे माले पे है, चौथे माले पे रहती हूँ और मैं बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं, और अगर हो भी तो मैं इस्तेमाल नहीं करती और रोजाना मैं अपने घर को सीढ़ियों से जाती हूँ. सो मी क्लाइंबिंग स्टेयर्स टू रीच माई हाउस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. बट स्टेयर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं रोजाना एक्सरसाइज करती हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन माई लोअर बॉडीज, तो मैं रोजाना स्टेयर वर्कआउट करती हूँ. मैं अपना स्टेप काउंट इंक्रीज करना चाहती हूँ तो आई टेक द स्टेयर्स एंड गो फॉर अ लॉन्गर स्टेयर क्लाइंबिंग. तो व्हेन आई डू दैट एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो बेस्ड ऑन व्हाट पर्पस आई एम डूइंग द सेम फिजिकल एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज.
So during this lockdown, do you categorize yourself as sedentary or physically inactive? इस लॉकडाउन के दौरान आप किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फिट इन होते हो? आप सेडेंटरी थे या फिजिकली इनएक्टिव? या किसी ने बताया? डिपेंड्स ऑन हिज इंटेंशंस या राइट आंसर. दिस क्वेश्चन का आंसर कम ऑन पार्टिसिपेंट्स. सेडेंटरी. रामा कांता मैम सेडेंट्री थी. उदय सर इनएक्टिव बता रहे हैं. आई लाइक धर्मेंद्र सर का आंसर. उन्होंने बोथ बताया है. काफी लोगों के लिए अगर हम देखने जाए बोथ विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ होगा हम बहुत पैरानॉइड हुए होंगे कि कैसे फिजिकली एक्टिव रहे. एवरीथिंग बिकेम शट डाउन. तो हमारा जो एक्टिविटी लेवल था उससे हम लोग ने डायरेक्टली डिप मारा होगा. तो हम लोग कंप्लीटली फिजिकली इनएक्टिव आ गए होंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. लाइटली हम फिर फिजिकली एक्टिव उसको अकोमोडेट करके कि अच्छा ये दिस इज गोना गो ऑन, वी कैन स्टिल बी एक्टिव एट होम, हम लोग फिजिकली एक्टिव हुए. मगर सिंस थिंग्स शिफ्टेड मोर इन टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट बेस्ड, हम फिजिकली एक्टिव रहने के साथ सेडेंट्री भी कॉम्बिनेशन में आने लगे. सो दैट कुड बी मोस्ट ऑफ आवर लाइफ पैटर्न्स इफ यू गो टू सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? Answers. Teaching of physical activity is physical education. Ramakanta ma'am ne bahut acche se bataya hai. That's really nice. Okay. Physical education class mein hum bachchon ko physical activity hi sikhate hain. Okay. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेशन के अनुसार कोई भी शरीर को इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट्स जो हम करते हैं जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का उपयोग होता है, साथ ही साथ शक्ति का उपयोग होता है. तो फिजिकल एजुकेशन क्लास में हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी ही सिखाते हैं. मगर जो हम अप्रोच लेते हैं वो एक प्लान्ड सिस्टमैटिक अप्रोच होता है कि ये पार्ट हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है और क्या ये मीट हुए या नहीं. सो देयर इज अ पर्टिकुलर वे हाउ वी एडमिनिस्टर दैट. दैट्स द ओनली मेजर डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ शुड वन सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्ले? तीन टाइप ऑफ प्ले जो हमने बात किया था, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, तो वो किस हिसाब से हमें टाइप ऑफ प्ले सेलेक्ट करने चाहिए? बच्चों के एज के अनुसार या बच्चों के चॉइस के अनुसार? ए या बी ऑप्शन? एज पर सराउंडिंग्स. वाओ, दिस इज अ इंटरेस्टिंग आंसर. A age both should be considered. Okay, brilliant. I would go with the answer both. उससे पहले मैं रंजिता मैम का आंसर पढ़ना चाहूंगी जिसके लिए उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन के लिए लिखा था. एनी वर्क कुड बी डन विच इज कॉल्ड एज फिजिकल एक्टिविटी, बट स्टडी अबाउट फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन. ब्रिलियंटली रिटन रंजिता मैम, लाइक रियली ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. दैट्स अ ग्रेट आंसर देयर. Again, both is the right answer for this question. क्योंकि जब मैं कोई session start करूंगी तो मैं बच्चों का attention grasp करने के लिए उनके मन पसंदीदार physical activity को choose करते हुए warm up कराऊंगी या attention seeking game खिलाऊंगी. उसके बाद मैं जो lesson plan की हूँ उनके age के अनुसार उसको आगे कराऊंगी. तो it is both. पहले मैं वार्म अप उनके एज के अनुसार, उनके चॉइस के अनुसार कोई एक्टिविटी को इस्तेमाल करके करा सकती हूँ ताकि उनका अटेंशन भी मैं गेन कर लूँ, और फिर उनके एज के बेसिस पे जो मैंने लेसन प्लान किया है वो मैं डिलीवर करूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा बहुत फेवरेट है. एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हमारे पास सबसे ज्यादा पावर बच्चों को फिजिकली एक्टिव बनाने के लिए कहाँ पे होता है?
स्कूल, घर, कम्युनिटी या ऑल द अबव? ब्रिलियंट, आई गॉट डी ऑल द अबव और नमिता मैम ने भी बताया ऑल द अबव. परफेक्ट, आई थिंक एवरीबडी हैज सेड ऑल द अबव. जय कृष्णा ने बताया कम्युनिटी, संतोष कुमार ने बताया सर स्कूल. ओके, मेजॉरिटी ऑफ देम को लगता है ऑल द अबव. अगेन मैं बताना चाहूँ, जिन लोगों ने स्कूल बताया, जी हाँ हमें लगता है कि हमारा पावर लिमिटेड है स्कूल तक. बट एक और चीज ये भी हकीकत है कि बच्चों का जो नेचर होता है, भले ही वो मैथ, साइंस, सोशल या कोई अगर एकेडमिक सब्जेक्ट स्कूल में सीखे, वो स्कूल तक ही भूल जाए. जो वो फिजिकल एजुकेशन क्लास में थोड़ा बहुत माइनर गेम्स या कुछ भी फंडामेंटल स्किल्स सीख ले, वो वहां तक सीमित नहीं रहता है. वो स्कूल से उसको घर ले जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ ट्राई करते हैं, रास्ते में अगर उनको एक छोटा सा कैप भी मिले, उसको वो किक मारते मारते ले जाएंगे. So they take the skills all the way along to home, try it with their siblings, अपने मम्मी पापा या भाई बहन के साथ try करते और फिर वही skill अपने community के बच्चों के साथ खेलते. तो हमें अगर लगता है कि हम अगर एक बच्चे को physically active school में बनाते, believe me, he takes that physical activity with him or her and makes 10 other person physically active, which is a very great power what we hold. So option D is very correct. All the above is the right answer. Going to the last question for you all, which is how can you make students physically active using the online platform? Since COVID ho chuka and we know ki cheeze kafi had tak online ho gayi hai, everything is technology based, jiske wajah se kafi bachchon ko dikkatein aa rahi hai, kyunki kuch bachche बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट का सुविधाएं नहीं है. साथ ही साथ पावर कट बहुत ज्यादा ऑफन होते हैं एंड इट्स नॉट फीजिबल ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. इस सब को नजर रखते हुए एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपके पास क्या इनोवेटिव आइडियाज है इस सब बैरियर्स को टैकल करते हुए आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रख सको. By asking them random questions and make their involvement by giving questions that they will practice later as task. Okay, that's a nice way. Again, इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी. इवन अ 2G सपोर्टिंग फोन, व्हाट्सएप में आप स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बना के मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो. दैट इज एफोर्डेबल एंड ईजी बाय यूजिंग डिफरेंट एप्स फ्रॉम गूगल. अगेन दैट कैन बी मोबाइल फ्रेंडली, ईजी टू गो अबाउट. Providing them making their own videos, yes, they can make their own videos. Or अगर आप एक professor हो, teacher हो, जो same area में, अगर आपके area में 10 या 12 बच्चे आसपास रहते हैं, you can ask them to meet up with the social distancing norm in particular area and carry out the session too. That could also be possible. या फिर you can ask every student to make a logbook. The best way is हर student को अपना खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाओ. आस्क हिम और हर टू मेंटेन अ लॉग बुक कि वो क्या क्या प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी एक दिन में कर रहा है. सो दैट वे ही और शी कैन रिफ्लेक्ट ऑन हाउ मच टाइम डज ही और शी स्पेंड इन बीइंग फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द डे. ऑलराइट, सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, तो एक बार मैं क्विक रीकैप दूं. हमने सेशन में 6 फंडामेंटल टर्म्स देखे. ओके, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी बिहेवियर, फिजिकल एजुकेशन और स्कूल स्पोर्ट्स. ये हमारे 6 फंडामेंटल टर्म थे जो हमने एक एक करके देखा. ऑलराइट, तो आई होप विद दिस सेशन हम काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं इन दोनों में कितना एक समानता है और काफी हद तक अंतर भी है. सो आई होप इट वॉज अ गुड लर्निंग. Thank you for being active participants. It was really great experience. All right. Any doubts, agar aapka ho, any queries ho, feel free aap chat box mein hume bataiyega. Saath hi saath ye jo hamare PPTs hain, wo aapke saath Amit sir ya Pankaj sir share karenge.
तो अगर आपने पॉइंट्स लिखने में आपको दिक्कत हो रही है या आप नहीं लिख पाए, यू हैव मिस्ड समथिंग, आपको रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? सभी लोग क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू आर ग्रेट, अमेजिंग इन आंसरिंग एवरीबॉडी. आई थिंक जो भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स थे, सभी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया है. रियली सो प्राउड ऑफ यू ऑल. थैंक यू सो मच. अमित सर, आर यू देयर? यस एल्फी. सो थैंक यू एवरीवन. अगर आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं. और कल दोबारा 3 बजे मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट सेशन के लिए. थैंक यू एवरीवन.